पाड़ी बंदा हेरा नी मंदा हेरा हेरा ए बंदा नी मंदा पाड़ी बंदा पाड़ी बंदा पानी की कमी है दारू है ज्यादा और आज मैं आपको बताना चाहूंगा देवभूमि हिमाचल प्रदेश के देव कबरूनाग के इतिहास के बारे में। यह मंदिर 9000 मीटर की हाइट पर एस्टेब्लिश है और ये पौराणिक कथाओं में हमने पढ़ा है कि देव कबरूनाग जी महात्मा बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे और महाबली भीम के पौत्र थे और महाबलशाली और एक अजय योद्धा थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में लड़ने की इच्छा जाहिर की और उनकी माता जानती थी कि ये अजय योद्धा है और अगर ये कौरवों की ओर से लड़ेंगे तो ये एक तरफा इस युद्ध को कर देंगे, इस महाभारत को कर देंगे। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और बड़ा देव कबरूनाग महात्मा बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाही और उन्होंने बीच रास्ते में एक ब्राह्मण का भेष बदल करके उन्हें दर्शन दिए और महात्मा बर्बरिक के तरकश में सिर्फ 4 ही तीर थे और भगवान श्री कृष्ण ने अटकेली करते हुए उनसे कहा कि आप क्या 3 तीरों से महाभारत का युद्ध जीतोगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे तरकश में 1 भी तीर होगा तब भी मैं महाभारत का युद्ध जीतने का दम रखता हूँ, युद्ध जीतने की क्षमता रखता हूँ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर ऐसा ही है तो आप इस उनके सामने पीपल का पेड़ था, आप इन पत्तों को भेद कर दिखाएं 1 ही तीर में सारे पत्ते। महात्मा बर्बरिक ने पीपल के पेड़ पर बाण चलाए और भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया ताकि वो पत्ता ना भेद पाए। उसके बाद जब एक तीर आता हुआ सारे पत्ते भेदने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पांव की तरफ आया, उन्होंने अपना पांव हटा लिया और वो महात्मा बर्बरिक देव कबरूनाग के इस शौर्य और पराक्रम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे एक वचन मांगा और वचन में उन्होंने उनका सिर मांग लिया क्योंकि वो जानते थे अगर महात्मा बर्बरिक देव कबरूनाग ने कहा था कि वो सिर्फ उन्हीं की ओर से युद्ध लड़ेंगे जो हार रहे होंगे क्योंकि महाभारत का युद्ध कौरव ही हार रहे थे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने महात्मा बर्बरिक देव कबरूनाग से उनका सर मांग लिया, उन्होंने अपना सर दे दिया किंतु महात्मा बर्बरिक देव कबरूनाग ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई और भगवान श्री कृष्ण ने उनका धड़ एक ऊंचे स्थान पर जो आज देव कबरूनाग के नाम से जाना जाता है वहां पर रख दिया और राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम नाम से उनका जो सर था आज भी वहां पे आप पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं वहां पे खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं महात्मा बर्बरिक और देव कबरूनाग। हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में इनका धड़ आज भी विराजमान है, लोग उनके दर्शन हर साल करते हैं। और कौरव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आए तो रास्ते में कबरूनाग जो ये पहाड़ी है यहाँ पे महात्मा बर्बरिक का जो धड़ यहाँ पे पहाड़ पे रखा गया था, उनका सर रखा गया था, तो उन्होंने प्यास लगने की इच्छा जताई कि मुझे प्यास लगी है और पानी का इंतज़ाम करें। महाबली भीम ने अपनी हथेली से जमीन पर जोर से मारा और ये जो आज एक प्राकृतिक झील आप यहाँ पे देख रहे हैं पौराणिक कथाओं के आधार पर ये वही झील है जो महाबली भीम ने अपनी हथेली के बाद से यहाँ पे प्रकट करी थी और महात्मा बर्बरिक ने पानी पिया। और एक और भी यहाँ पे लोगों की एक आस्था है कि इस झील में अपने जेबर या यहाँ पे वो पैसे फेंकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे यहाँ पे पैसे पड़े हैं जो भी आप करेंसी नोट डॉलर या जो भी यहाँ पे करेंसी नोट है ये नीचे जा यहाँ लोग फेंकते हैं या कोई ज्वेलरी यहाँ पे फेंकते हैं। जब पांडव यहाँ से गुजरे थे तो उन्होंने अपने सारे जो उनके पास हीरे मोती जेवरात जो भी उनके ऑर्नामेंट्स थे उन्होंने इस झील में फेंक करके वो आगे निकल पड़े थे। तो ये है बहुत सुंदर सी पहाड़ी देव कबरूनाग और इसका इतिहास मैंने आपको भी बताया। ऐसे बहुत सारे स्थल हिमाचल प्रदेश में हैं, माँ शिकारी देवी, देव कबरूनाग, पराशर ऋषि, रिवालसर झील, ऐसे अगणित देव स्थल यहाँ पे हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया से यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी होती है तो अपने श्रद्धा के आधार पर वो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। मुझे भी इस बात का गर्व है कि मैं पहाड़ों से हूँ
और हम अपने देवताओं के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, तो ये मैं आपको देव कमरुना के दर्शन करवाए। एक बार पुनः आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।